संसद में घुसने वालों ने पूछताछ में जो बताया उसे सुनते ही एसपीजी और पीबीजी के जवान हो जाएंगे अलर्ट। कौन है मास्टरमाइंड ललित जिसने संसद के बाहर तक इन्हें छोड़ा, वीडियो बनाया, फिर फरार हो गया? क्या खालिस्तानियों से इस मामले का कोई नाता? 24 घंटे बाद सामने आए चार बड़े हैरान करने वाले खुलासे। 13 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच संसद भवन में जो हुआ उसे लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये खुलासा इतना बड़ा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात पीबीजी यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान अलर्ट हो जाएंगे। संसद के बाहर से पकड़े गए अमोल शिंदे ने पुलिस पूछताछ में बताया है। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग 4 साल से एक दूसरे को जानते थे, जिनमें से 5 लोग संसद के अंदर जाने वाले थे। हम लोग गुरुग्राम में विक्रम के घर रुके थे, लेकिन पास चूंकि 2 ही लोगों को मिल पाया इसलिए बाकी के 3 लोग हम लोग बाहर रुक गए। ललित ने पूरे मामले का वीडियो बनाया और फिर फरार हो गया। मैं और नीलम पकड़े गए। दर्शक दीर्घा से अंदर कूदने वाले सागर और मनोरंजन डी का हमने साथ इसलिए दिया क्योंकि हम किसान आंदोलन, बेरोजगारी और मणिपुर मामले के कारण नाराज थे, इसलिए ऐसा किया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर ये 5ों संसद के अंदर घुसते तो क्या होता? क्या बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग थी? हालांकि इनके हाथों में कुछ ऐसा था ही नहीं, सिर्फ कलर स्प्रे के जरिए ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे। तो सवाल है कि जो नुकसान पहुंचाना चाहेगा वो पहले से अलर्ट क्यों करेगा? विपक्षी सांसद अब नई संसद की डिजाइन और सुरक्षा पर ही सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा जिनके पास से ये लोग अंदर पहुंचे उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये लोग अंदर घुसे कैसे? सत्र चलने के दौरान तो संसद की सुरक्षा और चाक चौबंद हो जाती है, तो फिर ये हुआ कैसे? तो इसके पीछे 4 बड़ी वजह हो सकती है। पहला, दर्शक दीर्घा में सादे कपड़े में सुरक्षा कर्मी होते हैं जो उस वक्त होते तो उन्हें कूदने से रोक सकते थे, यानी सुरक्षा कर्मियों की संख्या जरूरत के हिसाब से कम थी। दूसरा, नई सदन में संसद और दर्शक दीर्घा के बीच ऊंचाई काफी कम है, अगर ये ऊंचाई 10-15 फीट से ज्यादा होती तो कूदना आसान नहीं होता। तीसरा, दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होना इसका बड़ा कारण है जिससे सुरक्षा कर्मी हर किसी पर आसानी से नजर नहीं रख पाए होंगे। चौथा, जूतों की चेकिंग ना होना। मेटल डिटेक्टर से लेकर तमाम मशीनों से चेकिंग होती है लेकिन इनके जूते में कलर स्प्रे छिपा हुआ था, मतलब ये सुरक्षा चूक का गंभीर मसला है, वो भी उस दिन जिस दिन संसद को सबसे ज्यादा अलर्ट होना था, क्योंकि 21 साल पहले इसी दिन आतंकियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी पर वो कोशिश नाकाम हो गई थी। लेकिन अफसोस, नई संसद बनने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल वही बने नजर आ रहे हैं। इस मामले में खालिस्तान कनेक्शन के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने बिल्कुल इसी तरह की धमकी दी थी। तो सवाल है कि क्या जो कुछ हुआ क्या वो उसके इशारे पर हुआ? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी कमजोर हो गई जो अलर्ट जारी नहीं कर पाई? शुरुआती जांच में इसे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित बताया गया है, हालांकि अभी ये सारे सवाल जांच का विषय है। पुलिस को इसकी वजह तलाशने के साथ साथ संसद की सुरक्षा भी इतनी सख्त करनी है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में ऐसी हरकत करने के बारे में दोबारा कोई सोच भी ना सके। पर असल सवाल यही है कि जब कोई भी व्यक्ति संसद तक पहुंच सकता है तो क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।